Salt time, salt time, bitch, salt time. It's salty, salt time. Salt time ho chuke, salt time, salt nikalega. Hello, Lakshya bhaiya, sara salt le lo, salt le lo sara, salt le. Lakshya, idhar aa yaar. Lakshya, aapko bhi chahiye thoda thoda salt. Nikal ja. Chal, ye block kyun ho gaya? So yes guys, आज हम बात करेंगे salt on YouTube India. But तुम सोच रहे होगे कि क्या बात कर रहा है सूर्य, के लिए क्या बोल रहा है तू? है हमें कुछ समझ तो आने दो, कुछ यार खुल के बता यार सूर्य, खुल के. लक्ष्य आज सारा salt मिलेगा, ठीक है? सारा salt. तेरा ग्रुप भी तुझको बजा नहीं पाएगा. सो कई लोगों को तुम पता लगी गया कि लक्ष्य चौधरी वाली वीडियो विच गॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस गॉट रिमूव्ड बाय एचटी मोबाइल, बट इट वाज नॉट एक्चुअली एचटी मोबाइल. कंपनी ने मेरी वीडियो टेक डाउन की ही नहीं, कंपनी कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है, बट कंपनी का मिसयूज किया गया, नाम मिसयूज किया कंपनी का, और मैं बताऊंगा किसने और कैसे ये इवेंट्स अनफोल्ड होंगे. पर अब तुम लोग बोलेंगे टाइटल में तो लिखा है लक्ष्य भैया ने कॉपीराइट क्लेम लगाया है. हाँ, लक्ष्य भैया ने भी लगाया है, उसका बाद में बताऊंगा, पर पहले शुरू से शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी करनी है, ठीक है? वीडियो लंबी करनी है, इस रीजन करके शुरू से शुरू करते हैं. सो मुझे स्ट्राइक आई एचटी मोबाइल से, जो कि एचटी मोबाइल ने नहीं लगाई थी, किसी बंदे ने फेक आईडी, फेक एमएनसी नाम यूज करके मेरे पे स्ट्राइक लगाई. ओके, और उन्होंने मेरी 0 से लेकर 14 मिनट तक की वीडियो क्लेम कर ली. सो इन केस यू गाइस डोंट नो कि पूरी वीडियो कभी कोई कंपनी नहीं क्लेम करती. यू नो व्हाट दे डू, कंपनी को होता है कि अगर तुमने उनका कुछ यूज कर लिया हम इससे पैसा कमा लें, है ना? बट इस केस में उसने क्या किया, मेरी वीडियो कर दी टेक डाउन. अब मैंने क्या किया कि भाई कंटेंट तो मेरा है, मैं वीडियो में था पूरा टाइम, तो मैंने क्या किया, मैंने फाइल कर दिया डिस्प्यूट. ठीक है, तो जब तुम डिस्प्यूट फाइल करते हो ना, 2 दिन के अंदर तुम्हारी वीडियो अप हो जाती है अगर जिस बंदे ने क्लेम लगाया वो उस पर आंसर ना करे. और इमेजिन हुआ क्या होगा, जैसे ही हुए 2 दिन, एचटी मीडिया ने 2 दिन जैसे ही हुए वैसे ही मेरा क्लेम खारिज कर दिया. आई वाज लाइक ओके, अब क्या करेगा सूर्य, है ना? अब इंस्टाग्राम ट्विटर पे जाके रोएगा कि एमएनसी मेरा चैनल खा रही है, बट वो एमएनसी तो है ही नहीं, मुझे पता था. मैंने क्या किया, कोई बात नहीं लड़के, तुझे मैं लेके जाऊंगा कोर्ट, कोर्ट में घसीटूंगा मैं तुझे. जो भी इस कंपनी का नाम फेक यूज कर रहा है ना, मैं उसको कोर्ट में घसीटूंगा. मेरा तो बिल्कुल प्रॉपर मोटिव था ये. सो डिस्प्यूट के बाद मैंने वही किया कि अगला डाला मैंने कंप्लेंट, है ना, कि मुझे पता लगे कि एक्चुअली बंदे का नाम क्या है. क्योंकि होता यह है कि अगर डिस्प्यूट का आंसर करना है तुमने आगे से आगे, तो बंदा तुम्हें मिलेगा कोर्ट में, और कोर्ट में पता लगेगा बंदे का नाम, है ना? यू नो मोस्टली लोग करते क्या हैं, मोस्टली लोग आगे बढ़ते ही नहीं उस स्टेप से. मोस्टली लोगों को लगता है कि यार कोर्ट के जंजाल में कौन फंसे, है ना, ये एमएनसी बहुत पावरफुल होती है, इनके जंजाल में कौन फंसे. बट गाइस, मैं 25 साल का हूं, एक एक पेशी पे एक एक वीडियो बनाऊंगा मैं. आओ तो सही कोई कोर्ट. बट अब तुम अभी बोलोगे कि ये तो कंपनी ने करवाई है या किसी बंदे ने करवाई होगी, इसमें लक्ष्य भैया कहाँ से आते हैं, इसमें लक्ष्य भैया कहाँ से आगे, लक्ष्य भैया नहीं हो सकते, लक्ष्य भैया बहुत अच्छे हैं, ऐसे लक्ष्य भैया बिल्कुल नहीं कर सकते, लक्ष्य भैया बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लक्ष्य भैया लिब्रंडू बोल देते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लक्ष्य भैया, लक्ष्य भैया. तो ठहरो थोड़ा, सब बताएंगे आगे और बताएंगे. सो आफ्टर दैट, उस टाइम में मेरा दिमाग चला और मैंने सबको कॉन्टेक्ट किया जिसने भी लक्ष्य पे वीडियो बनाई है. एंड इमेजिन किस और बंदे की वीडियो टेकडाउन हुई होगी. That's right, bitch. शिवम त्रिवेदी. शिवम त्रिवेदी की भी वीडियो मेरे साथ डाउन हुई. और इमेजिन किसने की? किसने की होगी? HT मोबाइल ने. गाइस, मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम में से कोई भी लक्ष्य भैया पे कंटेंट बनाएगा तो वो डाउन हो जाएगा, HT मोबाइल डाउन कर देती है उसे, कर देती है ऐसा लगता है मुझे. मैं बोल नहीं रहा लक्ष्य चौधरी HT से लिंक्ड है, ठीक है, वो लिंक नहीं है. मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि लक्ष्य चौधरी कैसे इन्वॉल्व था, ठीक है? अभी कंक्लूजन में मत जाओ, तुम सीधा कंक्लूजन निकाल लोगे, मुझे पता है. अभी रुको, डेस्टिनेट करने पूरे. तो मैंने आज इंस्टाग्राम स्टोरी में ये बोला था, सो द पर्सन हु क्लेम दिस लक्ष्य वीडियो हैज एक्चुअली डिनाइड द कंप्लेंट, ताकि वो 2 दिन बाद वीडियो वापस ना आ सके. ही वेटेड फॉर 2 डेज, देन ही मेड दिस. ओके, सो वीडियो विल बी नॉट गोइंग अप, बट कोई ना गाइज, लाइक अपील कर दी है, एंड इफ इट गोज टू कोर्ट देन सी यू इन कोर्ट माई डूड, सी यू इन कोर्ट. ओके HT मोबाइल, कि भाई जो भी बंदा है मैं कोर्ट में देख लेंगे ना हम, है सीन तुझे, ठीक है भाई, तुझे लगता है तेरा कंटेंट हम देख लेंगे, है ना, कोर्ट में देख लेंगे. बड़ा तो हो ही गया भाई, कोर्ट भी कचहरियां भी जा लेंगे एक बार, क्या ही हो गया. बट जैसे ही वो कोर्ट वाली स्टोरी लक्ष्य भैया ने देखी, मेरी कॉपीराइट क्लेम रिमूव हो गया,
ऐसे कैसे हो गया? लक्ष्य भैया ने देखी और इतनी बड़ी कंपनी ने मेरा कॉपीराइट क्लेम उड़ा दिया। क्योंकि वो कंपनी है ही नहीं भाईजान, कंपनी तो है ही नहीं। लक्ष्य भैया गेम खेलोगे चैनल टर्मिनेट हो जाएगा ऐसे। गाइडलाइंस में लिखा है अगर कोई भी मिसयूज करेगा पावर्स का उसका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। बट अभी भी तुम बोल रहे हो, क्या बोल रहा है सूर्या तू? HT मोबाइल लिखा है वहां पे, लक्ष्य चौधरी का नाम थोड़ी ना आ रहा। चलो अब पहुंच ही जाते हैं। तो जस्ट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था मुझे आई एक मेल, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, जब भी तुम्हारे चैनल पे कोई बंदा कॉपीराइट क्लेम की रिक्वेस्ट डालता है कि इसको मुझे रिमूव करवाना है, ठीक है, और वो रिमूव नहीं होता स्टफ, तो यूट्यूब तुम्हें उस बंदे की मेल भेज देता है। और गैस किस बंदे की मेल आई होगी मुझे? लक्ष्य भैया की। किसको बताना नहीं। तो मेल कुछ इस तरह से है, कॉपीराइट टेकडाउन रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम यूट्यूब वीडियो। ये सुनकर तो मेरी भाई एकदम बहन की भाई होगी मेरी, ठीक है, कि बहन अभी तो वीडियो ठीक हुई थी दोबारा जा रही है ये। वी हैव रिसीव्ड एन कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नोटिफिकेशन बिलो रिगार्डिंग योर वीडियो। वी बिलीव योर कंटेंट इज प्रोटेक्टेड बाय फेयर यूज, फेयर डीलिंग और अ सिमिलर एक्सेप्शन टू कॉपीराइट प्रोटेक्शन। वी आर राइटिंग टू लेट यू नो दैट वी डू नॉट प्लान टू रिमूव योर वीडियो एट दिस टाइम। इसका मतलब समझे इसका मतलब कि मेरी जो वीडियो थी वो फेयर यूज में थी। फिर आगे वीडियो का लिंक क्लिक करो। ओ नहीं, बैठ बोल रही है, हट चुकी है वीडियो, हट पहले। बट सबसे मेन पार्ट क्या होता है टेक डाउन का पता है? यूट्यूब तुम्हें उनका ही रिस्पॉन्स दिखा देता है, उनका ही। थैंक यू टीम यूट्यूब फॉर योर रिस्पॉन्स, ओके दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, इवन आई बिलीव दैट पीपल कैन यूज योर वीडियो पार्शली टू रिव्यू और टू मेक अ पैरोडी। And in that case, I don't even care but this particular video where my work is used, this guy is misleading audience against me. He used around 30 second. 30 He used around 30 second of my original video as it is, which affect my original creation. ओकस को जो उसने कालो और गे बोला, मतलब अच्छा वो ओरिजिनल क्रिएशन थी, ओके, मतलब वही पूरी वीडियो का प्रेमिसेस था। तो वीडियो का टाइटल तो होना चाहिए था कि बैशिंग ओकस। वीडियो का टाइटल ठीक करो लक्ष्य भैया यार, हेलो। ही इवन यूज माय क्रिएशंस फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म एंड रिएक्टेड ऑन इट। इट फॉल्स अंडर कॉपीराइट एज वेल एज हरासमेंट पॉलिसी ऑल्सो। दैट्स वाई आई कॉपीराइटेड दैट पर्टिकुलर पार्ट एज आई डोंट वॉन्ट द वीडियो ऑन हिज चैनल because I don't want to let my audience misguided by someone else. देखो इंग्लिश के तो पूरे 100 नंबर दूंगा। आगे, I clearly don't want my video to be used by him and a 30 second use of the video is completely out of copyright protection. भाई इसको इंग्लिश कोई ना, छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है समझ आ गया मुझे, इंग्लिश चलता है, ठीक है छोड़ कोई बात नहीं, इंग्लिश चलता है, समझ आ गया मुझे, चलता है इतना इंग्लिश का। थैंक यू सो मच, Hoping to hear from you soon. Oh, Lakshya, यार कितना salty है तू, कितना salt है, रुक। ये ले मेरे से ले ले salty, ये ले salt मेरे से ले ले भाई, ये ले salt ये ले, ठीक है मेरे से ले ले। YouTube से मन में मैं दे रहा हूँ, पूरा दे रहा हूँ, आज ले ले लो 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 salt लो salt, ये सारा salt लो, आज भैया salt भाई salt salt। बट YouTube ने दोबारा रिस्पॉन्ड कर दिया उसे मिडल फिंगर दिखाते हुए कि भाई ये वीडियो नहीं टेकडाउन होगी, फेयर यूज में है। लक्ष्य भैया 3 मिनट फेयर यूज में होते हैं, थोड़ी स्टडी करा करो लक्ष्य भैया, पहले थोड़ी स्टडी नहीं करते आप। आपने फिजिक्स तो पढ़ ली है बट आप बाकी चीजें नहीं पढ़ते लक्ष्य भैया। लक्ष्य भैया एक्सेंट का बड़ा मजाक उठाते हैं लक्ष्य भैया। एंड एक और चीज, लक्ष्य भैया ने ओकस को धमकी भी दी थी कि सूर्या की वीडियोस में कॉपीराइट स्ट्राइक कर दूंगा जब उसकी मौत नहीं तब उसे पता लगेगा। मेरे को क्या हो गया, हाँ जब उसकी मौत नहीं तब पता लगेगा सूर्या को। हाँ क्या बोलूं लक्ष्य यार, अब तो एंड होके रहेगा। एंड हाँ नियॉन मैन सुन मेरी बात, इस वीडियो का दिखा दियो ठीक है न्यूज में प्लीज। पहले लोग बोलते हैं कि न्यूज सिर्फ व्यूज के लिए करता है, प्लीज एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है दिखा दियो इसको, ठीक है
कॉपीराइट क्लेम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं यहाँ पे। प्लीज बहुत सीरियस इशू है, प्लीज बड़े नामों करके मेरा पार्ट मत कट कर देना प्लीज। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग न्यूज ओके। बट बाकी मैंने ये सुना था अगर कोई चैनल किसी के खिलाफ साजिश रचता है राइट तो उसका चैनल टर्मिनेट हो जाता है। ओके टर्मिनेट हो जाता है चैनल। यूट्यूब लेट्स सी क्या होता है इस टाइम पे। ठीक है डू आई वॉन्ट लक्ष्य चैनल टू बी टर्मिनेटेड? एब्सोल्युटली नॉट। बट आई वॉन्ट लक्ष्य यू टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स। ठीक है थोड़ा समझ बुझ दिमाग। अभी तो मैं ठीक बंदा हूं, लोग एंड कर देंगे तेरे को। समझ नहीं आती तुझे बात चूतिया। बाकी इस टॉपिक पे लास्ट ही वीडियो होगी। इस बंदे के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए मैंने वीडियो बनाई एंड बंदा लोगों को मैसेज करके बोल रहा है मैं स्ट्राइक करूंगा इसका चैनल। दो स्ट्राइक लगा दी तो इसकी मार चुट जाएगी। ओके लक्ष्य फक यू।